my dear student, how are you today? I hope you all are fine at home. Welcome back to science class. First of all, you take your pencil or highlighter in your hand and I will tell you which sentence is highlighted. You highlight this sentence. आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 6, caring for others. आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6, caring for others. दूसरों की देखभाल हमें कैसे करना चाहिए. First of all, you write CW. क्लास वर्क देन डीटी डेट. डेट क्या है स्टूडेंट? यस 10 10 20. ओके स्पेशल पीपल. आज हम पढ़ेंगे स्पेशल पीपल के बारे में. लेसन नंबर 6 केयरिंग फॉर अदर्स. लेसन नंबर 6 केयरिंग फॉर अदर्स. केयरिंग फॉर अदर में आज हम पढ़ेंगे स्पेशल पीपल और डिफरेंटली एबल पीपल के बारे में. ओके आज हम पढ़ेंगे स्पेशल पीपल और डिफरेंटली एबल पीपल के बारे में. ओके स्टूडेंट इस लेसन के कंटेंट है स्पेशल पीपल, डिफरेंटली एबल पीपल, हेल्पिंग हैंड्स, एल्डर्स इन अवर फैमिली, एक्टिविटी टाइम एंड थिंग टू डू. टुडे वी विल लर्न स्पेशल पीपल एंड डिफरेंटली एबल्ड पीपल. ओके स्टूडेंट शैल वी स्टार्ट. ओके स्टार्ट स्पेशल पीपल. नीता वॉज गोइंग टू स्कूल. नीता कहाँ जा रही थी? अपने स्कूल जा रही थी. शी सॉ एन ओल्ड मैन. उसने रास्ते में एक बूढ़े इंसान को देख लिया. द ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग विथ हर सपोर्ट ऑफ अ स्टिक. ओल्ड मैन क्या कर रहे थे? अपने वॉकिंग स्टिक का मतलब अपनी जो छड़ी है उसका इस्तेमाल करके उसका सहारा लेते हुए रास्ते से चल रहे थे. ऑल थ्रू ही कुड नॉट सी शी वॉज ट्राइंग टू क्रॉस द रोड. पर उसने ये भी देखा कि जो ओल्ड मैन है वो अपने स्टिक के सहारे चल तो रहे हैं पर उसने ये देखा कि वो आंखों से देख नहीं सकते हैं. कैन नॉट सी वो अपने आंखों से देख नहीं सकते हैं पर रास्ता क्रॉस करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं. नीता हेल्प हिम क्रॉस द रोड. और नीता ने क्या किया? दौड़ कर गई और उनको रास्ता क्रॉस करने के लिए हेल्प किया. ओके तो जो बूढ़े अंकल थे वो आंखों से देख नहीं पा रहे थे और उनको रास्ता क्रॉस करना था तो नीता ने हेल्प करके उनको रास्ता क्रॉस करवा दी. देयर आर सेवरल पीपल हु कैन नॉट सी. ऐसे एक दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जो आंखों से नहीं देख पाते. दे आर ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड. उनको अंधा या दृष्टिहीन भी कहा जाता है. किनको? पीपल हु कैन नॉट सी आर कॉल्ड ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड. ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग देख नहीं पाते हैं उन लोगों को ब्लाइंड मतलब अंधा या दृष्टिहीन कहा जा सकता है. सम पीपल कैन नॉट हियर कुछ लोगों को सुनाई नहीं देता है. स्टूडेंट मैं जो हाईलाइट कर रही हूँ आप भी मेरे साथ हाईलाइट कीजिए. पीपल कैन नॉट हियर कुछ लोगों को सुनाई नहीं देता है तो उनको क्या कहा जाता है? डेफ. दे आर कॉल्ड डेफ और हियरिंग इम्पेयर्ड. डेफ्ट और हियरिंग इम्पेयर्ड. डेफ्ट का मतलब होता है कि जिनको सुनाई नहीं देता वो कानों से बहरे होते हैं. सम पीपल कैन नॉट स्पीक कुछ लोग बात नहीं कर पाते हैं मतलब उनको बोलना नहीं आता है. क्या उनको बोलना आता है पर उनके जो स्वर यंत्र है उनका जो गला है उसमें वो पावर नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो स्टेमिना नहीं है, वो शक्ति नहीं है कि जिससे वो आवाज दे सके या उनकी आवाज निकल सके. तो उनको कैसे कहा जाता है? डम पीपल. स्टूडेंट अच्छे से ध्यान रखिए. पीपल हु कैन नॉट सी जो देख नहीं सकते वो ब्लाइंड. ओके जो सुन नहीं सकते वो डेफ. जो सुन नहीं सकते वो डेफ और जो बोल नहीं सकते वो डम. ओके ब्लाइंड डेफ डम. ब्लाइंड डेफ डम. देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, है ना. जैसे गांधी जी के 3 बंदर होते हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो. उसी तरीके से 3 टाइप्स के लोग होते हैं, ब्लाइंड डेफ और डम. देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं और बोल नहीं पाते हैं. ओके ऑल दिस पीपल आर स्पेशल पीपल. इन लोगों को स्पेशल पीपल कहा जाता है. आप कहोगे कि टीचर स्पेशल क्यों कहा जाएगा इनको, क्यों स्पेशल कहा जाएगा, उनमें कुछ अच्छा ही है? हाँ है क्योंकि वो
अपनी कमी के साथ भी जीवन जीवन जी रहे हैं। जैसे कि हम आंखों से नहीं देख पा रहे, तो हम अगर मेरे जैसे मैं हूँ, मैं मुझे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बेड से नीचे नहीं उतरूंगी, मैं चलूंगी नहीं, घूमूंगी नहीं, फिरूंगी नहीं। मुझे हर किसी चीज के लिए किसी ना किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी, है ना। पर ये लोग अपनी कमी को छुपाने के लिए अपने अंदर की अच्छाइयों को बाहर निकालते हैं, अपने अंदर की छुपी हुई अच्छे अच्छे स्किल्स को बाहर निकालते हैं। इसीलिए इनको स्पेशल पीपल कहा जाता है, जिनको हमारे हेल्प की जरूरत होती है, जिनको अपने अंदर के, मतलब हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन होते हैं स्टूडेंट, है ना। उनमें से एक सेंस ऑर्गन इनके पास कम होता है, फिर भी वो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ काम करते हैं, घूमते फिरते हैं और जीवन जीते हैं। इसलिए भी इनको स्पेशल कहा जाता है। ओके, पीपल हु कैन नॉट सी स्पीक और हियर आर डिफरेंटली एबल, मतलब ये दूसरों से बहुत अलग होते हैं। द डिफरेंटली एबल पीपल, वो कैसे अलग होते पड़ेंगे। सम पीपल आर ब्लाइंड सिंस बर्थ, कुछ कुछ लोग जो होते हैं वो पैदाइशी अंधे होते, मतलब जैसे ही उनका जन्म होता है, जैसे ही बेबी बर्थ होता है उनका, वो उनको आंखों से दिखाई नहीं देता। सम पीपल लॉस देयर साइट ड्यू टू सम डिसीजेस, कुछ लोगों की आंखों की रोशनी कुछ बीमारियों की वजह से चली जाती है, वो आंखों से देख नहीं पाते, उनको बीमारी होती है जिसके वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। सम पीपल लॉस देयर साइट इन अ एक्सीडेंट, कुछ कुछ लोग एक्सीडेंट में अपने आंखों की रोशनी को खो बैठते हैं। मतलब 3 टाइप से भी ब्लाइंड हो सकते हैं, एक तो जन्म से ही अंधा होना मतलब दृष्टिहीन होना, दूसरा किसी बीमारी की वजह से अंधापन आ जाना, या तीसरा किसी एक्सीडेंट में आंखों का चले जाना या आंखों की रोशनी का चले जाना। ये 3 प्रकार के होते, तो आप इसे हाइलाइट कर लीजिए। सिंस ब्लाइंड सिंस बर्थ 1 टाइप, ड्यू टू सम डिसीजेस, ओके, एंड इन एन एक्सीडेंट, कुछ कुछ एक्सीडेंट की वजह से। दीज विजुअली इम्पेयर्ड पीपल कैन नॉट रीड एंड राइट लाइक अस, वो लोग हमारी तरह लिख और पढ़ नहीं पाते हैं, वो हमारी तरह लिख और पढ़ नहीं पाते, क्योंकि वो हम आंखों से देखते हैं तो ही वर्ड, अगर आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी जाए या अगर आपके आंखों को बंद कर दिया जाए और आपको कहा जाए कि लेसन नंबर 6 का पेज नंबर 29 ओपन कीजिए और रीड कीजिए, लाउडली रीड कीजिए, आप कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। जब तक आपकी आंखें नहीं खुली रहेगी आपको पता नहीं चलेगा कि पेज नंबर 29 कौन सा है। अगर चलो आपने गिन गिन के पेज नंबर 29 ओपन भी कर लिया, पर आपको ये नहीं पता होगा कि लेसन नंबर 6 है। ठीक है, टीचर ने आपको पढ़ाया कि पेज नंबर 29 पे लेसन नंबर 6 है और लेसन का नाम भी बताया केयरिंग फॉर अदर्स, ओके, पर जब तक आप सेंटेंस देखोगे नहीं आंखों से तब तक आप उसको पढ़ नहीं पाओगे। इसीलिए वो हमारी तरह लिख और पढ़ नहीं सकते हैं। दे यूज अ स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड ब्रेल टू डू सो, वो किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं? ब्रेल लैंग्वेज का। ब्रेल एक कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो पढ़ने से लिखना आ जाए। ब्रेल ये एक ऐसी स्टडी की मेथड है जो ब्लाइंड लोगों के लिए, जो अंधे लोगों के लिए होती है। आपको नीचे में एक बॉक्स बना हुआ दिख रहा है, उसमें डॉट्स दिए हैं और उसके नीचे अल्फाबेट्स लिखे हैं, ये ब्रेल स्क्रिप्ट है, इसको ब्रेल स्क्रिप्ट कहा जाता है। ब्रेल सिस्टम है जो एक ब्राउन कलर का पेज होता है, उसके ऊपर कुछ डॉट्स उठे हुए एकदम उभरे हुए होते हैं, कुछ थोड़े से उभरे हुए होते हैं, तो उनको ये जो ब्लाइंड लोग होते हैं, जो अंधे लोग होते हैं, उनको टच करके छू कर पता करते हैं कि यहाँ पर कौन सा अल्फाबेट लिखा गया है, है ना। ब्रेल इज अ सिस्टम ऑफ राइज डॉट विच रिप्रेजेंट लेटर ऑफ द अल्फाबेट ऑन शीट्स। तो ये ब्रेल क्या है? ब्रेल एक ऐसी सिस्टम है जो एक शीट के ऊपर राइजेस डॉट, मतलब उभरे हुए दानों के साथ एक शीट बनी हुई होती है, जिसको छूने के बाद उस पर कौन से अल्फाबेट लिखे गए हैं उसके ऊपर से वो रीड कर सकते हैं। विजुअली इम्पेयर पीपल फील राइजेस डॉट विद देयर फिंगर टिप्स टू रीड, मैंने जैसे आपको बताया कि जो हमारी फिंगर टिप्स होती है, जो हमारी उंगलियां होती है, उंगलियों के ऊपर वाले हिस्से को वो टच करते हैं और उसके ऊपर से वो पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। पीपल हु कैन नॉट हियर एट ऑल आर डेफ,
जो लोग सुन नहीं पाते हैं वो सारे बहरे होते हैं, दे यूज अ साइन। कभी कभी आप लोग भी नहीं सुनते हो, मिस चिल्लाती रहती है, आवाज देती रहती है, पर आप सुनते नहीं हो, तो आप बहरे हो क्या? नहीं ना। लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल, जो लोग बहरे होते हैं वो एक दूसरे से बात कर सॉरी साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। हियर आर द साइन फॉर द इंग्लिश अल्फाबेट, यहाँ पर इंग्लिश के अल्फाबेट के साइन दिए। स्टूडेंट इस चार्ट को आपको केयरफुली स्टडी करना है, इस चार्ट को आपको केयरफुली स्टडी करना है, किसे ए किसे बी किसे सी। अगर मिस आपको एग्जाम में देती है तो आपको हैंड देखकर उस अल्फाबेट को चॉइस करना है या टिक करना है कि वो कौन सा अल्फाबेट है। ओके, इसको आप केयरफुली रीड करोगे, यहाँ पर लिख लियो रीड केयरफुली, रीड द टेबल। ओके, इस टेबल को आपको केयरफुली रीड करना है। दिस पीपल लर्न टू रीड लिप मूवमेंट्स व्हेन पीपल टॉक, ये लोग बहुत सारे लोग जो होते हैं जो बहरे होते हैं वो आंखों से देख पाते हैं, तो जब लोग बात करते हैं तो उस समय उनके लिप्स की उनके होठों की मूवमेंट से उनके होठों की हलचल पे से वो क्या बात कर रहे हैं वो जानने की कोशिश भी करते। इन दिस वे दे गेट टू नो व्हाट पीपल आर सेइंग, इस पे से उनको पता चलता है कि लोग क्या बात कर रहे हैं, तो इसको लिप रीडिंग कहा जाता है। ओके, दे रीड द लिप्स मूवमेंट अलोंग विद द साइन लैंग्वेज, वो साइन लैंग्वेज के साथ साथ लिप मूवमेंट्स भी देखते हैं। एंड ईयर नोज एंड थ्रॉट, ईएनटी डॉक्टर ट्रीट द प्रॉब्लम ऑफ ईयर, जैसे कि ईएनटी डॉक्टर को क्या कहा जाता है, ईएनटी का लॉन्ग फॉर्म क्या है इसे हाईलाइट कर लीजिए आप, ईयर नोज एंड थ्रॉट, ईयर नोज एंड थ्रॉट ईएनटी डॉक्टर ट्रीट द प्रॉब्लम ऑफ ईयर, मतलब जो कान नाक और गले का डॉक्टर होता है उनको ईएनटी डॉक्टर कहा जाता है, और वो कान नाक गले का ही इलाज करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमने पेज नंबर 29 का फैक्ट फाइल नहीं पढ़ा है, उसको एक बार देख लेते हैं। अ डॉक्टर हु ट्रीट आईज प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन ऑप्थोलॉजिस्ट, जो आँखों का ट्रीटमेंट करते हैं उसको ऑप्थोलॉजिस्ट कहा जाता है। द ब्रेल सिस्टम वॉज इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेल हु वॉज ब्लाइंड हिमसेल्फ, जो ब्रेल स्क्रिप्ट बनाई थी वो लुइस ब्रेल ने बनाई थी और वो खुद भी अंधे इंसान थे, तो इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए या हाईलाइट कर लीजिए। ओके, पूरे फैक्ट फाइल को। सी यू सून, बाय बाय।